जनता की आवाज उत्तर प्रदेश बरेली न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज, शकीला पत्नी इकबाल निवासी ग्राम सिंगत्रा थाना देवरनिया के 7 वर्षीय पुत्र फैज की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। फैज की मां शकीला का कहना है कि दिनांक 17/8/2023 को शाम 8 बजे शकीला के बच्चे खाली जगह में खेल रहे थे। बच्चों में आपस में लड़ाई होने के कारण शकीला शिकायत करने गई तो राशिद रफीक, जलीस व अफजाल ने घर में घुसकर फूलबानो भाभी शाकिरा, भाई इरशाद व भतीजी नरगिस को लाठी डंडों व तमंचे से मारा, जिसकी शिकायत थाना देवरनिया में पंजीकृत कराई। तब से उक्त लोग मुकदमा वापस लेने का दबाव दे रहे थे, इनकार करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। दिनांक 19/8/2023 को समय लगभग 5:30 बजे शकीला के पुत्र फैज, जो कि बच्चों के साथ खेल रहा था, को आरिफ पुत्र लियाकत, रफीक पुत्र जहूर अहमद, शफीक अहमद, जलील अहमद पुत्रगण जहूर अहमद निवासी ग्राम सिंगत्रा थाना देवरनिया अपने साथ ले जाने लगे। उसके साथ खेल रहे इरफान पुत्र मोशून्य शफीक मुन्ने, वारिस पुत्र शब्बीर हुसैन ने रोकने की कोशिश की और पूछा कहां लेकर जा रहे हो, तब ये तेज कदमों से उसे पकड़ कर ले गए। प्रार्थिनी ने काफी तलाश की, थाने में शिकायत की, लेकिन प्रार्थिनी के पुत्र का पता नहीं चला। दिनांक 20/8/2023 की सुबह को शकीला के पुत्र फैज की लाश गांव की एक नदी के किनारे मिली। उपरोक्त सभी आरोपियों ने शकीला के पुत्र फैज की नदी में डुबाकर हत्या कर दी है। शकीला ने घटना की लिखित शिकायत थाना देवरनिया में की, लेकिन अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है, जिसमें फैज की मृत्यु पानी में डूबकर होने की पुष्टि हुई है। मृत्यु का समय रात्रि 12:40 है। मृतक के पिता का कहना है कि शाम 5 बजे से रात्रि 12:40 तक फैज कहां था, पुलिस ये पता करने में नाकाम रही है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस कार्यवाही न होने से उनके हौसले बुलंद है। पीड़ित परिवार न्याय और कार्यवाही की गुहार लगा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संवाददाता सत्य कुमार की खास रिपोर्ट। उन्हें लिखा ले क्यों नहीं, जब वो डूब कर मरा था और बच्चा 5 बजे से गायब है, ऐसे में पोस्टमार्टम में लाश आ रही, क्या नाम है, 11:40 पे। ये फोटो है बच्चे का। ये कब का है फोटो? ये नदी में से जब निकाल के लिखा, जब का फोटो है, 7 बजे दिन के। अच्छा, ये जब का फोटो है ये। तो फिर पुलिस ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। और मतलब कुछ लोग कह रहे थे गांव के अफसर, ऐसे में कुछ लोग कह रहे थे वो पैसा भर दिया, पुलिस क्या करेगी, उनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब ये 12 घंटे की लाश बताना है, ये 12 घंटे की लाश है, ये लाश है नदी की डूबी हुई लाश। आप जे बताइए 12 घंटे की लाश है जी, आप जे देखिए, मैं भी माँ हूँ, तुम भी बहन भाई हो, सबके तो आपके लिए भाई बहन भाई है, पहले आप जे देखिए। क्या नाम है आपका? 12 घंटे की, मेरा शकीला बेगम। शकीला जी बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये देखती, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे का ये नदी से लाश निकाल के ले गया, पर आप जी देखिए नदी की डूबी हुई लाश कैसी है, आप ये देखिए। पहले कितने साल का था आपका बेटा? 7 साल का था भैया, मेरा बेटा 7 साल का था। मेरे बच्चे मेरे दिल से पूछे क्या कह रहा, मेरा बच्चा दिल निकाल कर ले गया, दुश्मनों ने मेरे से बच्चा नहीं करा है। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। इकबाल अहमद जी कहाँ रहते हो आप? सिंतरा। थाना कौन सा है? दूरनिया। क्या हुआ था बताइए? ये होता कि 18 तारीख में 17 में लड़ाई झगड़ा हुआ था हमारे भाई से। अच्छा, तो क्या नाम है आपके भाई का? इरशाद अहमद। ठीक है, किसका हुआ था? हमारे भाई का। अच्छा, नहीं किससे हुआ था? रफी का मन से। अच्छा, फिर? फिर घर में घुसकर मारा, 3 जनों के उनके सिर फटे, गड़सा और कांता मारा था। कांता बंके सब से मारा। अच्छा, फिर क्या हुआ बताइए? उसके बाद में 19 तारीख में फिर वो आए थे, मतलब अपने पैसे दिए हो, कहीं कुछ दिया हो इन्हें, फिर घर पर आए थे तो जो बोले
कि अब वो बड़ा हो या छोटा हो तो जिसने जान से मार दो उसको, जान मार मार जान से तो होएगा कुछ नहीं। कौन कह रहा था ये बात? ये रफीक और भजन से कह रहा था जी। अच्छा, ये इन्हीं से लड़ाई हुई थी? हाँ, इन्हीं से हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में 19 तारीख में मेरा लड़का 5 बजे से घात था। अच्छा, 5 बजे से लड़के को मैंने उठा लिया जी, 5 बजे से उठा लिया और लाश मिली है 7:00 बजे। किसने उठाया था ये? मतलब बज्जन ने और रफीक ने। बज्जन ने और तो रफीक ने। तो ये लाश कब मिली आपको? लाश मिली 7 बजे। अगले दिन 20 तारीख में। थाने में सूचना करी थी आपने? थाने में सूचना दी थी जी, और उन्हें मतलब खाने पूरी करके एक आदमी को, बज्जन के बाप को, लियाकत को उठाकर बंद कर दिया, और उन्हें 2 घंटे के बाद में रात में छोड़ दिया। अच्छा, कानून कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें फिर बच्चे को पोस्टमार्टम किया? पोस्टमार्टम हुआ था बच्चे का। फिर उसमें क्या आया? पोस्टमार्टम में ये आया था कि 11:40 का टाइम पे मौत का मतलब हुई, समय आया। और बच्चा मेरा 5 बजे से गायब था, बच्चा मतलब 6-7 घंटे से कहाँ रहा बंद। तो इसमें उसके बाद पुलिस को आपने सूचना करी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं करी। आप क्या चाहते हो? अब ये चाहता है कि हम कि हमारा जो हक है वो हमारा मुकदमा 302 का लिखा जाए। अच्छा, इसमें मतलब हत्या करी गई है जी? हत्या करी गई है, मेरे बच्चे की हत्या ही करी है। मेरा भैया पानी में डुबा के ये घटना और किसी ने भी देखी थी गांव के किसी व्यक्ति ने? हाँ, जो लोग बता रहे उन्होंने देखी थी। अच्छा, उनके चोट भी थी लगी हुई बच्चे की हमारी। अच्छा, हाथ भी और खून निकल जाता ताजी, और हाथ पैर लुजगुन थे उसके, मुलाम थे, बढ़िया थे। ऐसा लग रहा है सो रहा था बच्चा, ऐसा लग रहा है। वो बच्चे का फोटो है? बच्चे का फोटो छोटी मोबाइल में लेके। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान जी। कहाँ रहते हो आप? सिंतरा। तो ये जो विवाद हुआ है इसके बारे में क्या जानते हैं आप? इसके बारे में मैं क्या जानता हूँ? मैं जी जानता हूँ कि इधर से मतलब सेमी गड्ढे से मैं सवारी लेकर आया, तो मैं सवारी को उतारा मैंने, तो मैं एक नज़र मेरी पड़ी इधर, तो किधर पे? लड़के पे और उस दोनों पे। तो कौन लड़का? जो ख़त्म हुआ है। नाम जानते हो? मोहम्मद फैज। कितना बड़ा था? लगभग 7 साल का हुआ। 7 साल का? अच्छा, तो क्या देखा था आपने इसको? देखा था लड़के को आपने? लड़के को देखा था? ये कहाँ जा रहा था, क्या है? तो मैं बताता रहा हूँ, यही देखा था मैंने। जैसे मैं आया उधर से तो मैंने सवारी उतारी। हाँ, तो मेरे जब मैंने नज़र देख मेरी नज़र पड़ी तो वो बच्चा आगे चल गया था, और वो जो लड़का पीछे था मतलब मोहम्मद आरिफ भज्जन, वो पीछे था। मोहम्मद आरिफ कौन है? वही तो भज्जन है। जैसे कहाँ रहता है ये? जी रहता है धुरनिया। अच्छा, तो ये कहाँ पर देखा था आपने इसे, कौन सी रोड पे? जी मंदिर पे। तो वो बच्चे के साथ साथ चल रहा था ये? हाँ। बच्चे को ले जा रहा था? हाँ, पीछे ही था। ठीक है, फिर कहाँ देखा आपने, कहाँ ले गया ये? फिर मैं चला गया ना टुक। इतना कंफर्म है कि आपने बच्चे को देखा है मोहम्मद आरिफ के साथ? मोहम्मद आरिफ के पिता का नाम जानते हो? लियाकत। क्या नाम है आपका? वारिस हुसैन जी। कहाँ रहते हो आप? ग्राम सिंतरा। थाना कौन सा है? देवरनिया। क्या देखा था आपने, बताइए। जी सर, मैं रोज की तरह मतलब बाजार गया था, बाजार करने के लिए। बाजार करने के लिए यहाँ जादमपुर के पास में एक भैरपुरा बाजार कहते हैं जी, वहाँ से मैं सामान वामान घर का लेके आया, राशन वगैरह लेने के बाद में घर लौट के आया। फिर 1-2 घंटा बाद फिर मैं दोबारा वापसी, मुझे कुछ भूख सी लगी, मैं कुछ मेले में खाने के लिए गया जी। मेला लगा हुआ था? मेला तीज का त्यौहार लगा हुआ था। कहाँ का मेला लगा था ये? ये मंदिर पे। अच्छा, फिर तीज का त्यौहार था, मेला लगा था, और मैं वहाँ गया, मैंने कहा कुछ खाने के लिए जाता हूँ।
वहाँ देखा तो बाइक से गया था मैं अपनी, बाइक से जाने के बाद में वहाँ देखा कि जो आरिफ बज्जन उर्फ बज्जन, इसको मैंने देखा उस लड़के के पीछे पीछे। किस लड़के के पीछे पीछे? मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज कौन है? मोहम्मद फैज हमारे रिलेशन में ही है। मतलब आपके इधर ही रहते हैं गांव में ही रिलेशन जी, में सब। तो आपने उसे रोका नहीं? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं अपने और कामों में था, मैंने जल्दी जल्दी जाता हूँ और लौट के चला आता हूँ। नहीं, आपने जब उसे देखा कि गांव के अक्सर बच्चे घूमते ही रहते हैं, इधर से उधर गलियों में घूमते ही रहते हैं, कौन इतना मतलब इतना ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो उसके पीछे कौन था? उसके पीछे बज्जन। अच्छा, और भी कोई था? और कोई नहीं था सर। फिर आपने कहाँ तक देखा उसको पीछे पीछे जाता सर? मैंने ये मंदिर से, उसको हाथ में चीज थी, चाउमीन वगैरह थी, और वो आगे आगे चल रहा था, वो ढाई के तरफ को मुझे जाते हुए देखा। और कुछ देखा आपने? और कुछ नहीं देखा सर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शान। कहाँ रहते हो आप? सिंतरा। क्या देखा था बताओ? हम खेल रहे, बज्जन आया, पैसे दिखाने लगा, कह रहे आप बच्चे मेले में चीज खिलाएंगे हैं, तो वहाँ उधर से भैज चले गया, हम खेलते हुए रह गए। कौन चला गया? भैज। अच्छा, फिर वो चला गया मेले में, तो आए, हम खेलते हुए रह गए, हम घर पर आएगा खेलते हुए, तो भैज वो मिलाना।